मंदसौर जिले की भावगढ़ थाना पुलिस को लाखों की चोरी के मामले में सफलता मिली है। पुलिस ने पिछले दिनों थाना क्षेत्र के गांव करजू में हुई लाखों की चोरी में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की गई। वहीं पुलिस ने नकदी व जेवरात बरामद किए हैं। पूरे मामले का खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनकामना प्रसाद ने बताया कि पिछली 4 जुलाई को जिले के भावगढ़ थाना क्षेत्र के गाँव करजू में अशोक पाटीदार के घर पर देर रात चोरों ने धावा बोला और घर की अलमारी में रखी 3 लाख रुपए की नगदी सहित सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ किया था। चोरी की इस घटना के बाद पुलिस ने एक विशेष टीम गठित कर बदमाशों की तलाश शुरू की, जिस पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों से चोरी की गई नकदी और जेवरात भी बरामद किए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 6,25,000 रुपए की मशरूका बरामद की है। भावगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत करजू ग्राम के अशोक पाटीदार के घर पर नकदजनों के द्वारा नकदबिनी कारित की गई। नकदबिनी में उनके पास अवेलेबल 3 लाख रुपए कैश और 3,25,000 रुपए की ज्वेलरी उन्होंने चुरा कर ले गए थे। कुछ दिन पूर्व इसी प्रकार की घटना उक्त पे थाना प्रभारी को हम लोगों ने कुछ तकनीकी डाटा की सहायता एवं कुछ मुखबिर सूचना अवगत कराया। TI साहब ने उस सूचनाओं को आगे बढ़ाते हुए आज उनको ये पता चला कि दलोदा मार्केट में कुछ लोग संदिग्ध लोग सोने चांदी के जेवरात को बेचने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस सूचना पे थाना प्रभारी अपनी टीम के पास रवाना हुए। उन लोगों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करी। वर्तमान 3 आरोपी हैं, उनका नाम है राजेश पिता रंजीत, उमेश पिता राम प्रसाद और बाबूदास पिता परमेश्वर दास बैरागी। पुलिस की कड़ी पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की इस वारदात को करना भी कबूला है। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर पांड न्यूज, मंदसौर।